हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो हेज फ्रेंड्स, आज मंडे और आप सभी जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करते हैं, जिसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट होता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, वो सभी इंप्रूव करते हैं। आज है मंडे, तो मंडे है तो यानी कि संडे और मंडे दो दिन का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम कवर अप करने वाले हैं। वही न्यूज़ देखेंगे जो कि हमें जाननी इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, चाहे इंडिया का कोई सा ही पेपर हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर कोई आपके स्टेट का एलडीसी एग्जाम हो, डजंट मैटर एट ऑल। सभी के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाँच क्वेश्चंस के साथ जो कि मैंने आपको पिछले सैटरडे को दिए थे, और देखते हैं उसका सही आंसर क्या है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि नेशनल अवार्ड मिले थे, आपको पता है नेशनल फिल्म अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी का जो अवार्ड है वो किसको मिला था? तो इसका सही आंसर क्या था, यहाँ पे रिद्धि सेन इसका सही आंसर था, और विनोद खन्ना को कौन सा, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो आंसर क्या है, रिद्धि सेन भी यहाँ पे आपका सही आंसर है। चलिए सेकेंड देखते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2018 का सम्मेट कहाँ पे होगा? तो ये कहाँ पे होगा, ये चाइना के अंदर होगा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, जेबू क्या है? तो मैंने आपको जेबू के बारे में बताया था, एक बुलेट प्रूफ व्हीकल है जो कि आर्मी को प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसका आंसर है सी इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्वो ओशन रेस ये कौन सी रेस है? तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया की टफेस्ट रेस है सब किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, और जो ये वॉल्वो ओशन रेस किसकी, याच की रेस है। पूरे दुनिया के जो ओशंस हैं उन सभी के अंदर चक्कर लगाया जाता है याच के थ्रू, तो आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका था, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे? तो जिनको हम फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, जिनको कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आपका यहाँ पे सी सही आंसर होगा बिल्कुल। तो ये पांच क्वेश्चन थे आपके जो कि पिछली बार पूछे गए थे, उम्मीद है आज भी आप काफी कुछ सीख के जाने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के कोट से, वो कहते हैं, वी ऑल बॉर्न विद अ डिवाइन फायर इन अस, आवर एफर्ट शुड बी गिव विंग्स टू द फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। यानी कि हम सभी बॉर्न होते हैं एक डिवाइन, एक फायर के साथ में, आप सभी में एक आग है, सभी के अंदर होती है, बस जरूरत क्या है कि मेहनत करके उस आग को आगे बढ़ाना और कुछ ऐसा अचीव करना जो कि सभी लोग देखते रह जाएं। तो आप सभी में आग है ही, तभी तो सुबह 8 बजे उठ के आप इतने पढ़ाई कर रहे हैं, वाईफाई स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस जरूरत क्या है इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाना और फिर एक वर्ल्ड को गुडनेस के साथ में ग्लो करवाना, ठीक है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक बात है जो कि हम सभी को समझनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज के साथ में, संडे का जो फर्स्ट पेज है उस पे चलते हैं। सबसे पहले कल की अगर मैं बात करूं तो कल जो थी दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो सब देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पेज के ऊपर, एक तो यूएस ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने मिलकर सीरिया के ऊपर अटैक कर दिया है, 100 से ज्यादा मिसाइलें उन्होंने दाग दी है। अब ये मुद्दा जो है इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये क्यों हुआ है एक्चुअली के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी पावर को लेकर बातचीत करी गई है कि जो उनकी पावर है ना उसको थोड़ा सा कैसे देखा जाए। तो एक जज है, ग्रुप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोडिफाई करें, यानी कि पता करें कि ये CJI की जो पावर है इसको कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जो सही केसेस है वो सभी बेंचों तक पहुंचे, इस चीज़ को लेकर। तीसरा यहाँ पे है ही अपने कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गए हैं आपको पता होना चाहिए, और कॉमनवेल्थ गेम्स कल खत्म हो गए, और मैं आपको आज या कल के अंदर एक वीडियो भी दूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड, जिसके अंदर सारी चीज़ें के बारे में हम बातचीत करेंगे। इंडिया ने कितने मेडल जीते, कौन से मेडल इंपॉर्टेंट है, कौन से पेपर में पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा सवाल आता है कि ये प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है, इस प्लेयर ने कॉमनवेल्थ में कौन सा मेडल जीता था, ठीक है? इस तरीके के सवाल कई बार पेपर में बनते हैं। कॉमनवेल्थ का पास्ट के बारे में पूछ लेते हैं, कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया के मेडल कितने थे, इंडिया कौन से नंबर पे था, ये सारे सवाल है जो कि बनते हैं। तो इसका एक पूरा प्रॉपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कल या परसों में दे दूंगा आपको, जिसके अंदर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेंगे कॉमनवेल्थ के बारे में। चलिए तो यहाँ पे ये तीन न्यूज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट वाली देख लेते हैं। देखिए पांच जज है जो कि उन्होंने एक बातचीत करी है, कम्युनिकेशन किया है। एक्चुअली मैं मुद्दा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अपने जो CJI है ना वो कौन है, दीपक मिश्रा जी हैं। अब मिश्रा जी ने एक बात बोली थी कुछ टाइम पहले, और एक बेंच थी उन्होंने एक बात बोली थी कि जो पावर है ना CJI के पास में वो मास्टर है, किसका, मास्टर ऑफ द रोस्टर। यानी कि होता ही है कि कोई भी अगर केसेस जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चार सोसाइटी के चार बड़े केस हैं जो कि CJI के पास में गए, अब ये CJI के पास में हाथ में होता है कि कौन सा वाला केस कौन सी बेंच को प्रोवाइड करें, इस वाली बेंच को प्रोवाइड करना है ये वाला केस इस वाली बेंच को प्रोवाइड करना है, और ये वाला बेस इस वाली बेंच को प्रोवाइड करना है। तो ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके हाथ में होती है।
अब जो कई बार आपको पता ना कि चार पांच जज थे पहले, उन्होंने एक बार कॉन्फ्रेंस करी थी, मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमें अच्छे केस नहीं मिल रहे हैं, हमें सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने रेज करे थे क्वेश्चन किस किस के ऊपर, जो केसेस है उसके एलोकेशन के ऊपर। तो एक्चुअली के अंदर हुआ क्या, उसके बाद में दीपक मिश्रा जी ने कहा कि मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर हूँ, मेरे पास पावर है इस चीज़ की, ठीक है, तो मैं जिसको चाहूँगा उसको दूंगा। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई जज उन्होंने थोड़ा बोला है कि इस चीज़ को थोड़ा देखने की जरूरत है, अटैम्प्ट करने की जरूरत है, कोडिफाई करने की जरूरत है, जो ड्यूटीज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उनके एलोकेट केस करने को लेकर उस चीज़ को देखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो इनके फेवर वाले जो बेंच है ना उन्हीं को बड़े केस दिए जा रहे हैं, समझ गए, बड़े केस किसको जा रहे हैं, फेवर को जा रहे हैं, जो इनकी बेंच वाली फेवरेबल है। तो ये एक्चुअली के अंदर मुद्दा था। अब इस मुद्दे के ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे चार जज है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पांच जज थे, उन्होंने अटेम्प्ट किया है कि वो पूरा इस चीज़ के ऊपर बातचीत करें और इसका कोई ना कोई सलूशन निकालें। चलिए देखिए, ये इस चीज़ का कोर मुद्दा था। अभी आपके मेंस एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इंडिया के सभी जगह पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये मुद्दा एक्चुअली में हुआ क्या था। उम्मीद है मैं आपको कोर चीज़ मैंने आपको समझा दी है, बाकी डेली न्यूज़पेपर में ये सब आती रहेगी तो अपन इसको पढ़ते रहेंगे। चलिए सेकंड देखते हैं, आप देख सकते हैं हवा के अंदर मिसाइलें जो कि सीरिया पे दागी गई है। एक्चुअली के अंदर सीरिया पे भी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है, केमिकल अटैक हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। अब US, फ्रांस और UK इनको ये लगता है कि ये जो केमिकल अटैक किया गया है ये रशिया और यहाँ पे जो असद की आर्मी है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है सीरिया के, तो उनकी आर्मी है और रशिया, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे केमिकल अटैक कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, आम लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं केमिकल अटैक से। तो US ने वॉर्न किया कि अगर आप इस केमिकल अटैक को बंद नहीं करेंगे और इसके जो एरिया है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। रशिया ने बोला कि ठीक है आप अटैक करो, आप फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी देख लेना। तो दोनों के बीच में इस तरीके से मुद्दा हो गया और US, आपको पता ही ट्रंप है अभी वहाँ पर प्रेसिडेंट, तो ट्रंप के तो वैसे ही बात पता नहीं क्या चलती है और क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया वहाँ पर अटैक करते हैं, सबसे ज़्यादा मिसाइलें दागती। एरिया कौन सा है, ये सारे एरिया हैं, ठीक है, ये सारे डमेस्कस तो उसकी राजधानी है, ये इसकी कैपिटल है सीरिया की, तो 76 मिसाइल तो बराश रिसर्च सेंटर है वहाँ पे दागी गई और हिम ये वाला जो एरिया है यहाँ पे दागी गई, ठीक है, और कई जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पे तीन चार जगह पे दागी गई। और इन्होंने ऐसा कहा है कि हमने जहाँ पे जो केमिकल के जो स्टोरेज थे ना वहाँ पे अटैक किया है और जिससे सारे के सारे जो केमिकल वेपन थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं अब इन असद की आर्मी के। तो एक्चुअली के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो असद है प्रेसिडेंट है ये और रशिया मिलके यहाँ पे डोमिनेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, खामिस है, और अगर बात करूँ यहाँ की स्टेट ऑफ सीरिया बनने की तो 1924 में बना, उसके बाद में रिपब्लिक 1930 में बना, उसके बाद में जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसका वो 2012 का ही है, ज़्यादा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई बात के ऊपर झगड़े होते रहते हैं। चलिए तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सीरिया के अंदर क्या मुद्दा है, क्यों मिसाइलें दागी गई है। तीसरी जो न्यूज़ थी वो गोल्डन डे पर संडे जो था उस दिन हमने काफ़ी गोल्ड मेडल जीते, तो थर्ड स्पॉट पे हम पहुंच गए थे, 8 गोल्ड मेडल जीते उस दिन हमने, मतलब संडे के दिन, जिसमें से नीरज चोपड़ा है उन्होंने जीता जैवलिन के अंदर, उसके बाद में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल में फाइनल मैच हुआ जिसमें साइना नेहवाल जीत गई है, ये तो आज की न्यूज़ है। इसके अलावा गौरव सोलंकी है, विकास कृष्णन है, इन्होंने इंडिया को जिताया बॉक्सिंग के अंदर। इसके अलावा संजीव राजपूत है, उन्होंने जिताया मैन राइफल के अंदर 50 मीटर राइफल में। विनेश फोगाट, जो फोगाट सिस्टर्स है ना दंगल वाली, तो सबसे छोटी जो बहन है उसमें से, उसने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। और सुमित मलिक ने जीता, मलिक बत्रा ने जीता, तो इस तरीके से कई सारे गोल्ड मेडल हमको देखने को मिले। चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं, पेज नंबर 4 पे बात करें तो कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। और यहाँ पे राजपाल यादव तो आप जानते ही, इनके ऊपर केस हो गया है, 5 करोड़ रुपये का लोन दिया था वापस चुकाया नहीं है, तो इनके ऊपर जल्दी इनको सजा हो सकती है। चलिए अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे तिहाड़ जेल से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये वाली हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तिहाड़ से क्या है ये भी जान लेते हैं। तिहाड़ जेल जो है वो अडॉप्ट करने वाला है WHO मेंटल हेल्थ ड्राइव। WHO पता ही है आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या करती है उसने, WHO ने एक मेंटल हेल्थ ड्राइव कैंपेन लॉन्च किया था। इसके तहत क्या होता है कि जो जेल के अंदर कैदी होते हैं ना, जिनकी मेंटल हालत सही नहीं होती है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उनको प्रॉपर क्या मिलता है, ट्रीटमेंट मिलता है उनको, और अच्छे से उनको रखा जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम सही की जाती है इस तरीके से। तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, समर्थन, प्रोजेक्ट समर्थन इसका नाम है। और मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो देख रहे हैं उनको एक्सपर्ट मेडिकल असिस्टेंस मिलेगी, प्रिजन के अंदर जेल के अंदर उनको एक स्टाफ रखा जाएगा, तो ऐसे ही ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई है WHO के साथ में। दुनिया में सेकेंड जेल है तिहाड़ जेल जो कि इस तरीके का WHO के साथ में कैंपेन कर रहा है,
पहली कौन सी है? पेनिनसुलावेरिया की एक जेल है, वहां पे पहला प्रोग्राम है जो कि चला है। WHO की बात करें तो 1948 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जेनेवा में हेडक्वार्टर है, टेड्रोस इसके डायरेक्टर जनरल है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए पेज नंबर 10 पे चलते हैं। पेज नंबर 10 पे है VHP से न्यूज। हालांकि ये जो न्यूज है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कल को आपकी कहीं डिबेट हो रही हो, अगर आप कल को कहीं किसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, तो अगर आप वाईफाई स्टडी से पढ़ रहे हो तो डिबेट में कभी पीछे नहीं रहने चाहिए, सिंपल सी बात है। चाहे वो आपका कोई बैंक कहीं पर भी, चाहे आपके किसी भी पेपर में कोई GD हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी हो, नॉलेज आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये सब भी पता होना चाहिए। एक संघ परिवार है, पता है आपको संघ परिवार? अब इस परिवार का सबसे जो हेड है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन सी है? RSS है। उसके बाद में सेकंड हेड कौन सी है? VHP है, विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद में इनकी यूथ विंग कौन सी है? बजरंग दल है, आप जानते ही हैं। वुमेन की विंग कौन सी है? दुर्गा शक्ति करके, दुर्गा विंग ऐसे करके। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। अब इसमें जो VHP ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो प्रेसिडेंट है ऑल, मतलब पूरा अक्रॉस द ग्लोब ऑर्गेनाइजेशन, जो इलेक्शन 52 साल में इसमें इलेक्शन हुए और नए प्रेसिडेंट जो है वो प्रवीण तोगड़िया को नहीं सेलेक्ट किया गया है। इतने टाइम से तो प्रवीण तोगड़िया इसके हेड थे, लेकिन अभी वो इलेक्शन के अंदर हार गए। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है विष्णु, ठीक है, विष्णु सदाशिव खोज के, वो नए यहाँ पे क्या बने? इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन चुके हैं। पहले तो इतने टाइम से प्रवीण तोगड़िया थे, ठीक है, अब ये नहीं रहे हैं और अब कौन हो गए? विष्णु जी हो गए, जो कि फॉर्मर हिमाचल प्रदेश के IGS 2003 से लेकर 2008 के बीच में ये वहाँ पे गवर्नर रहे थे। तो इनको अच्छे खासे वोट मिले और अब ये बन चुके हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। चलिए VHP के बारे में भी जान लेते हैं, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा। 1964 में ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया 3 पर्सन के द्वारा। एक तो है गोवलकर, एक है आप्टे और एक है स्वामी चिन्मयानंदा। स्वामी चिन्मयानंदा काफ़ी फेमस पर्सन है और इंडिया नहीं, दुनिया में इनके काफ़ी फॉलोवर्स हैं। भगवत गीता से लेके सारे उपनिषद वैद सभी की ये टीचिंग करवाते हैं, फिलोसफिकल। तो इन तीनों के फॉर्मेशन से मदद से इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। पर्पस ही क्या है? हिंदुत्व इनका पर्पस है, हिंदू नेशनलिज्म। मेंबर 6.8 मिलियन ये लोग बताते हैं। और वर्किंग प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया, अभी विष्णु जी बन चुके हैं। और दुर्गा वाहनी इनके वुमेन विंग है, बजरंग दल इनके यूथ विंग है और इनके हेड कौन है? संघ परिवार का एक ये पार्ट है। तो ये सब आपको क्या है? हिंदू परिषद के, हिंदू विश्व परिषद के बारे में जानकारी है, जो कि आपको होनी चाहिए, वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होनी चाहिए। चलिए पेज नंबर 17 पे चलते हैं स्पोर्ट्स से। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में जो जो मेडल आए हैं उनके नाम जान लेते हैं, कौन कौन को क्या क्या मेडल मिला है। नीरज चोपड़ा जी ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है ज्वेलिन, ठीक है, ज्वेलिन की ज्वेलिन थ्रो के अंदर। सेकेंड ब्रॉन्ज मेडल भी यहाँ पे अरपिंदर जो है उन्होंने जीता है। तो यहाँ पे कई सारे मेडल हमको देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैरी कॉम ने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। मैरी कॉम आपको पता ही है, अपने आप में एक अजूबा प्लेयर है, काफ़ी साल हो गए इनको खेलते हुए और अभी तक इनका जो मोरल है वो बहुत हाई है। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे फ्लैग बेरियर को लेकर है। सबसे पहले जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो अपना जो झंडा था वो PV सिंधु लेके चली थी, आपको पता है। और अब आखिरी जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो हमारा झंडा किनके हाथ में था? मैरी कॉम के हाथ में। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉमनवेल्थ तो खत्म हो ही गए, तो हमें पता होना ही चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन कॉमनवेल्थ के बारे में। तो गोल्ड कोस्ट के अंदर हुए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है गोल्ड कोस्ट। मोटो क्या था इस वाले गोल्ड कोस्ट का? शेयर द ड्रीम। 71 कॉमनवेल्थ टीम ने पार्टिसिपेट किया, 275, ठीक है, इवेंट है 19 स्पोर्ट्स के अंदर। ओपनिंग 4 से लेकर 15 अप्रैल तक ये हुआ। चार्ल्स जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उन्होंने इसको ओपन किया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे रहा 80 गोल्ड मेडल, इंग्लैंड 45 और तीसरे नंबर पे भारत 26 गोल्ड मेडल के साथ में। पिछली बार भारत 4th नंबर में था और इस बार भारत की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। उम्मीद है ये परफॉर्मेंस आने वाले जो एशियाड और जो ओलंपिक गेम्स है उसके अंदर भी भारत में देखने को मिलेगी। चलिए इसके अलावा आज के करंट अफेयर के ऊपर चलते हैं। आज की न्यूज़ की बात करें तो आज जो है सबसे पहले तो ये सेरेमनी वाला है, मैंने आपको यहाँ पे पिछले वाले पेज में पूरी बता दिया सेरेमनी के गोल्ड कोस्ट के बारे में। तो ये कल ही हुई है, मतलब ये खत्म तो कल ही हुआ है, तो कुछ एक मेडल है उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा ये तो कर्नाटका के इलेक्शन से न्यूज़ है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये रेप केस आपको बताइए जो ऊना और कथुआ के अंदर हुआ है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है जो होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है इसको लेकर। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ के बारे में देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे 3rd ऑन द ऑनर्स लिस्ट,
ऑनर लिस्ट में हम कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर के ऊपर है। ठीक है, तो ये 7 मेडल हमने और जीते संडे के दिन, तो जो पीवी सिंधु को हरा के साइना नेहवाल ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया, टोटल हमने 66 मेडल जीते और हाईएस्ट मेडल थे इंडिया की हिस्ट्री में कॉमनवेल्थ के अंदर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद में थर्ड नंबर के ऊपर थे। 500 हमने मेडल भी हमारे पूरे कर लिए हैं। जोशना चिरप्पा, दीपिका पालीकल ने सिल्वर मेडल मिला उनको, शरकांत कमल और मनिका इनको ब्रॉन्ज मेडल टेबल टेनिस के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद पेज नंबर 7 पे चले। पेज नंबर 7 की बात करें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं ये क्या है। देखिए, गवर्नमेंट टाइज अप विद द IIT दिल्ली फॉर सेफ्टी स्विचेस ऑन व्हीकल। एक्चुअली के अंदर जो NDA गवर्नमेंट है ये क्या चाह रही है, इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं IIT दिल्ली के साथ में। और वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन सभी के अंदर सेफ्टी स्विचेस लगाए जाए। ठीक है, जैसे कि अगर कोई लड़की बसेस में ट्रैवल कर रही है या फिर कोई भी ओला उबर में कहीं पर भी, मतलब अगर ट्रैवल कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे सेफ्टी के स्विचेस प्रोवाइड किए जाए ताकि अगर किसी भी वक्त पे अगर किसी भी लेडी को ज़रूरत है तो वो स्विच को प्लेक वहाँ पे वो कर सकती है, इसको यूज़ कर सकती है और हाथों हाथ 5-10 मिनट के अंदर उसके पास में पुलिस की हेल्प मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेके जो जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है फीमेल के अगेंस्ट, उस तरीके से एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश की जा रही है और इसी से IIT दिल्ली की हेल्प लेने की बातचीत करी गई है। साथ में मोबाइल के अंदर भी आपको पता होगा, 2000 मोबाइल के अंदर भी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया था कि अब जितने मोबाइल आएंगे आने वाले टाइम में, एक साल के अंदर, 2017 की प्लानिंग थी लेकिन वो एक साल डिले हो गई है, तो अब जितने भी मोबाइल आएंगे अपने आने वाले 6 महीने साल भर में जो मोबाइल बनेंगे उन सभी के अंदर आपको एक स्विच मिलेगा, इमरजेंसी स्विच। अब उसको इमरजेंसी स्विच को अगर किसी फीमेल ने प्रेस कर दिया अगर इन द टाइम ऑफ नीड, तो वो डायरेक्टली सिग्नल उनके जो क्लोज वंस है उनके पास में मैसेज पहुंचेगा और साथ में जो पास का थाना है वहां पर भी मैसेज पहुंचेगा। यूपी के अंदर तो ऐसे मोबाइल बनना चालू भी हो गए और आना भी चालू हो गए, कुछ लोगों को मिल भी गए और पूरे इंडिया में कुछ टाइम के अंदर ये सर्कुलेट हो जाएंगे। तो ये न्यूज़ थी जो कि आपको ध्यान रखनी है, IIT दिल्ली के साथ में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। पेज नंबर 11 पे एयरफोर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 101,010 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के पार्टिसिपेट कराए हैं इन्होंने, और क्या चीज़ पार्टिसिपेशन जो ऑपरेशन किया है वो किस चीज़ को लेकर किया है कि अगर कल को एयरफोर्स की कोई वॉर हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाते हैं हालात, तो उस टाइम पे हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे एक वो किया गया, एक उसका डेमो दिया गया। इवैक्यूएशन, ज़्यादातर लोगों को निकालना, असॉल्ट यानी कि अटैक करना, एयर पावर शॉर्ट और इंटेंस बैटल के अंदर यूज़ करना, तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक बहुत अच्छी ड्रिल करी गई है जिसमें 1,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने काम किया है और यहाँ पे इसको एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। ऑपरेशन का नाम क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गगन शक्ति इस ऑपरेशन का नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, गगन शक्ति। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है एयरफोर्स के द्वारा इसको किया गया है। तेजस हमारा, आपको बताइए, हमारा खुद का प्लेन बनाया हुआ है Sukhoi 30 के साथ में तेजस, इन सब ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। पैरा ट्रूपर्स है, जो आर्मी के पैराशूट ब्रिगेड है, बटालियन लेवल पे जो एयरफोर्स एयरबॉर्न असॉल्ट ऑपरेशन जो होते हैं डेजर्ट सेक्टर में, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर को उतारा गया है, ऐसे कई सारे जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं सभी को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। चलिए एयरफोर्स के बारे में भी जान लेते हैं, एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए 1932 में हमारी एयरफोर्स बनी थी। ठीक है, इसके अलावा 1.5 लाख के पास में हमारे एक्टिव पर्सनल है जो कि काम करते हैं, 1700 प्लस एयरक्राफ्ट है हमारे पास में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और कलर हमारा नेवी ब्लू स्काई ब्लू वाइट है एयरफोर्स का। एनिवर्सरी 8 अक्टूबर को होती है एयरफोर्स डे जिसको हम कहते हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है अभी, बीरेंद्र सिंह धनोआ जी हमारे यहाँ पे अभी कौन है एयर चीफ मार्शल है। अगर मैं एयरक्राफ्ट की बात करूँ तो पेपर में कई बार पूछते हैं कि बताइए हेरॉन क्या है, ठीक है बताइए ध्रुव क्या है, चेतक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जगुआर मिग और हार्पी ये अटैक हमारे एयरक्राफ्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में DRDO EW ये सब है, फाइटर के अंदर सुखोई मिराज मिग तेजस ये सारे हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो ध्रुव चेतक चीता M18 M17 MI 8 MI 17 और रुद्रा ये सब है। इसके अलावा ट्रेनर की बात करें तो हैवॉक हेरॉन ये सब है। ट्रांसपोर्ट करने के सामान जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हथियार लेके जाना, इसमें ग्लोब मास्टर है, बोइंग है, ठीक है टैंकर के अंदर MKI है, तो ये सारे हमारे फाइट एयरक्राफ्ट के हमारे जत्था है जो कि हम काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 12 पे, यहाँ से बात करें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो एक तो मोदी जी की विजिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
यहाँ पे मोदी जी की ये विजिट इंपॉर्टेंट है, इस विजिट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, देखिए प्राइम मिनिस्टर दो बायलेटरल मीटिंग के लिए गए हैं, मई के अंदर जाएंगे, मतलब अभी वहां पे जाएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर, सीएचओ जीएम के अंदर। एक्चुअली के अंदर एक सीएचओ जीएम है क्या, ये जो मीटिंग है इसका पूरा नाम है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ के जो हेड है ना, कॉमनवेल्थ के बारे में आपको पता है ये 53 देश है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो सारे देश यहाँ पे क्या आएंगे, मीटिंग होगी इन सभी के बीच में। तो पीएम मोदी यहाँ पे इस मीटिंग में जा रहे हैं, और यहाँ कहाँ पे हो रही है, ये लंदन के अंदर हो रही है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कितने सारे देशों के फ्लैग बने हुए हैं, तो ये सारे कॉमनवेल्थ देश हैं। अभी इन यहाँ पे इन चीज़ को लेकर जो डेवलपमेंट है, जो हमारा बिजनेस है कॉमनवेल्थ के अंदर जो हम करते हैं, उन सबको इंक्रीज करने को बातचीत करी जा रही है। अभी आपको जो दिख रहा है ना, ये सारे ग्रीन के अंदर, ये सारे वो देश हैं जिस किसी टाइम पे ये सब यूके के अंडर में थे, इंग्लैंड के अंडर के अंदर थे, उन सभी को आज हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में है, और 53 देश हैं जो कि किसी टाइम पे यूके के अंडर में थे और अभी सब अलग अलग बन चुके हैं। हेड कौन है, एलिजाबेथ सेकंड है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, पैट्रियाका स्कॉटलैंड, और लंदन डिक्लेरेशन के तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया 1949 के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस के ऊपर, पेज नंबर 13 पे अगर बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे इंडिया और चाइना की एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब ये क्या है, ये चेकआउट कर लेते हैं। देखिए पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, आप जानते होंगे, तो ये एक्चुअली के अंदर जो ओपेक नेशन है ना, ओपेक नेशन जो हमें ऑयल क्रूड ऑयल देते हैं, तो ये इन्होंने अपनी रेट जो है वो काफ़ी हाई कर रखी है। तो इंडिया और चाइना दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनकी जो रेट है ना उसको कम किया कराया जा सके, ठीक है। तो एशियन प्रीमियम इसको कहते हैं, एशियन यानी कि जो एशिया के देश हैं उनको प्रीमियम समझ के ये महंगा क्रूड ऑयल देते हैं ओपेक के नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इस चीज़ को लेकर अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाए बताइए एशियन प्रीमियम क्या है, तो सबका दिमाग चकरा जाएगा कि एशियन प्रीमियम होता क्या है। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, एशियन प्रीमियम वो देश है जो कि जिनको ओपेक नेशन क्या देते हैं, ठीक है, जो ओवरचार्ज करते हैं प्राइसिंग के अंदर, उसको एशियन प्रीमियम कहा गया है। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें ओपेक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओपेक क्या है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे इसके मेंबर हैं। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, पेपर में 50 बार आ चुका है, 14 इसके मेंबर हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, बार्किंडो, और इस्टेब्लिश किया गया था बगदाद इराक की डिक्लेरेशन के बाद में। अब देखिए ये सारे इसके मेंबर हैं, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गीनिया, गैबॉन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी, यूएई, वेनेजुएला, ये सारे इसके मेंबर हैं। कुल मिला के आप अफ्रीका, साउथ अमेरिका और गल्फ, इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज करके याद कर सकते हैं, पेपर में बहुत बार सवाल आता है। चलिए स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं। साइना नेहवाल ने फाइनली सिंधु को हरा दिया और काफ़ी एक्साइटेड थी मैच जीतने के बाद में, तो देख लेते हैं। साइना नेहवाल ने हरा दिया पीवी सिंधु को फाइनल मैच में, और एक वो काफ़ी टाइम हो गया था कि वो अपनी टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही थी, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा गौरव सोलंकी ने गोल्ड मेडल, विकास कृष्णन जी ने, ये सब हम बात कर ही चुके हैं, तो ये सारे थे। इसके अलावा भारत ने अपने टोटल 500 कॉमनवेल्थ मेडल भी पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही चिन्नप्पा ने, ज्योत्सना चिन्नप्पा ने दीपिका पल्लिकल ने सिल्वर मेडल जीता, भारत के जो टोटल मेडल है वो 500 से ज़्यादा पहुंच गए, 502 हो चुके हैं, जिसमें से 182 तो गोल्ड है, 173 सिल्वर है, 147 ब्रॉन्ज है। कितने कितने ये याद नहीं करना आपको, सिर्फ 500 मेडल हो चुके हैं ये याद करना है। चलिए ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो कि दो दिन की थी, इंपॉर्टेंट आपको काफ़ी पसंद आई होगी, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो, वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, ताकि देश के कोने कोने तक ये वीडियोज पहुंचे, लोगों को ज्ञान हो अच्छे से पेपर में करंट अफेयर, जो कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक्चुअली में करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम जितना उसको अगर स्मार्टली पढ़ेंगे तो हम उसको एक कन्फाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपकी नॉलेज जीके और साथ में आपके जो करंट अफेयर दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, साथ में आपको पता है वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन पे जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं, डाउट पूछे हैं, उनको धीरे धीरे क्लियर आउट किया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सभी सही हो जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें, साथ में उस एप्लीकेशन को शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। 5-10 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन जो आपके वोकैब क्लास है वो भी लेके आ रहा हूँ, साथ में 5 क्वेश्चन तो आपके हैं ही, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, राष्ट्रपति आपको बताना है सीरिया के कौन है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो कि मैंने अभी आपको सीरिया के बारे में बताया था वो मुद्दे के बारे में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। WHO मेंटल हेल्थ ड्राइव
कौन सा जेल WHO की मानसिक स्वास्थ्य ड्राइव को अपनाने में अपनाया है उसने, तो ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सी जेल ने WHO मेंटल हेल्थ ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने CG 2018 में कौन सी स्थिति पे कब्जा किया है, कौन सी जो रैंक है वो भारत ने कैप्चर करी है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए IIT के साथ, कौन सी IIT के साथ सरकार ने टाइप किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना, मैंने आपको बताया था अभी सेफ्टी स्विचेस व्हीकल के ऊपर, तो कौन सी IIT के साथ में गवर्नमेंट ने टाइप किया, ये आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, CHOGM मीटिंग कहाँ पे होने वाली है। CHO मीटिंग कॉमनवेल्थ हेड ऑफ, मैंने आपको बताया था अभी, कॉमनवेल्थ हेड जो मीटिंग है वो आपको बताना है। ठीक है, कॉमनवेल्थ हेड एंड गवर्नमेंट मीटिंग, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तो ये कहाँ पे होने वाली है ये आपको बताना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। साथ में आपकी जो क्लासेस का जो शेड्यूल है वो आपको पता है ना, वो चेंज हो गया है, अब बैक टू बैक क्लासेस है, जैसे कि सुबह आपकी UPSC की हो गई है, उसके बाद में आपकी दूसरी बैक टू बैक क्लासेस होगी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, आप जो आपका शेड्यूल है वो आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।